ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੋ ਪੂਰੇ YouTube ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਫ ਹੋਗੇ सो फाइनली अपडेट आ गई है मैंने पिछली वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया था कि डी कैटेगरी के बारे में बताया था लॉन्ग टर्म विजे के बारे में बताया था कि कौन कौन सी कंट्री ने अपने वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया लेकिन फाइनली आज अपडेट आई है और जैसी अपडेट आई है मैंने सोचा आपके साथ वीडियो में शेयर कर दू बहुत सारे पर्सन पूछ रहे हैं कि हम कहा ट्रेवल कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्री अभी इंडिया से ओपन हो चुकी है वीजा कैटेगरी कौन सी ओपन हो चुकी है और उसके लिए फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी है और क्या कुछ कंट्रीज के लिए होने वाली है तो उसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है जो फर्स्ट टाइम आए तो जस्सी पंजाबी के चैनल को लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना जिससे क्या डेली बेस में आपको अपडेट आती रहेगी तो सबसे पहले बात करेंगे क्रोशिया के लिए तो क्रोशिया के लिए ऑल कैटेगरी वीजा जैसे आपको पता स्टार्ट है अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं जैसे आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हो जिसके अपॉइंटमेंट ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा तो आप वी में कॉल करके कन्फर्मेशन कर सकते हो या आपके नियर बाय जैसे डेली में कोई पर्सन रहता तो वो वी सेंटर जाके कन्फर्मेशन कर लेगा कि हम प्रीमियम सर्विस के जो भी आपके चार्जेस होते हैं थ्री थाउजेंड फोर जो भी चार्जेस होते हैं वो हम पे कर देंगे देन उसके बाद हम प्रीमियम स्लॉट से विदाउट अपॉइंटमेंट हम बुक करा सकते हैं तो वो कहते हैं कि यार डेफिनेटली आप करा सकते हो देन उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी फिर आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके या उनको मेल कर देना या उनको कॉल कर देना या वॉक इन में कोई जाके उनसे कंफर्मेशन जरूर कर लेना क्योंकि प्रीमियम सर्विस का मतलब होता है कि विदाउट अपॉइंटमेंट आप जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करा सकते हो कि क्रोशिया के बहुत सारे वीजे अभी देखने में आया था लग रहे थे जिन्होंने क्रोशिया जाना है ये शैनिकन में नहीं आती बट ये यूरोप की बहुत बड़ी कंट्री है और आने वाले टाइम पे शैनिकंद का पार्ट हो जाएगी और ये काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है आइसलैंड तो आइसलैंड का बता देता हूँ यही सेम सिचुएशन है लेकिन आइसलैंड ने क्या बोला है कि आप बिल्कुल विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ सकते हो आप सबमिशन भी करा सकते हो प्रीमियम स्लॉट आप ले सकते हो से लेकिन वैक्सीनेशन के दोनों डोज आपके लगे होने चाहिए टूरिस्ट तो वीजे जरूर खोले हुए कंट्री में आता है। और काफी वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट जितनी भी 26 कंट्री है ना उसमें सबसे इजी कंट्री आइसलैंड है जो वीजा सक्सेस रेट लॉकडाउन से पहले 99 परसेंट था तो बिल्कुल हाँ सही सुना आपने आप नाइनटी नाइन कंट्री है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वेरी लेस इनकी रिक्वायरमेंट है और बिल्कुल आपने आइसलैंड का वीजा लगाना है तो आपको दोनों डोज लगवाने पड़ेंगे तो जिसने नहीं लगाए तो वो डेफिनेटली जाके लगवा सकता है और उसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे यूए के लिए तो मैं आपको बताया तो दुबई ने अपनी वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया और नेक्स्ट मंथ से डेफिनेटली खोल देगा लेकिन अब क्या मोस्टली कंट्री का वैक्सीनेशन पीपल कोई वो एक्सेप्ट करेगी तो आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन लगा लो और कोविड शील्ड लगानी है कोवैक्सीन मत लगा लेना क्योंकि बहुत सारे पर्सन का यही डाउट है हमारे यहाँ शील्ड नहीं है हम कोवैक्सीन लगा सकते हैं तो बिल्कुल आप नहीं लगा सकते आपको कोविड शील्ड ही लगानी पड़ेगी उसी को ये अप्रूवल मिली हुई है गाइज और साथ में नेक्स्ट नाम है नॉर्वे के लिए तो नॉर्वे ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी है शेनिकन कंट्री में आती है तो ऑनलाइन आप देख लेना स्लॉट इसके मिल रहे हैं ठीक है नहीं मिल रहे तो कस्टमर केयर में वी में कॉल करके कन्फर्मेशन कर लेना उनसे चार्जेस वगैरह सारी चीजें कन्फर्मेशन कर लेना आप वॉक इन में अपनी फाइल सबमिट करा सकते हो गाइज नॉर्वे के भी वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छे है बट आपकी फाइल स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड की अपॉइंटमेंट स्लॉट हर एक दो दिन में देखने में आया वो रात को खोल देते हैं अपॉइंटमेंट स्लॉट आप ऑनलाइन बुक करा सकते हो और वन परसेंट आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट ना मिले तो उसकी भी सेम सिचुएशन है वी में जाके वॉक इन आप अपनी अपॉइंटमेंट सबमिट करा सकते सकते हो हो या को मेल करके भी कर सकते हो, और स्विट्जरलैंड भी शेनिगन का पार्ट है वो शेनिंगन में आता है और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है कैनेडा के लिए तो कैनेडा के भी बहुत सारे पर्सन पूछ रहे थे कि फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है मैं आपको बता रहा था आपने कैनेडा जाना तो बहुत जल्दी आप ट्रैवल कर पाओगे ऑलमोस्ट अक्टूबर में आप ट्रैवल कर पाओगे आपके पास विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा ऐसा ही सुना आपने तो क्या अभी उसने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया बट ऑफलाइन नहीं ले रहा आप ध्यान रखना ऑनलाइन अपने फाइल प्रोसेस करनी है और साथ में बायोमेट्रिक भी इसके ओपन हो चुके हैं और किसी के बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा जैसे मैंने आपको बताया था दुबई में बहुत सारे पर्सन को क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी तो वो क्या प्रीमियम स्लॉट ले रहे थे तो आप वी सेंटर से कंफर्मेशन करके इसका भी प्रीमियम स्लॉट लेके विदाउट अपॉइंटमेंट वॉक इन आप सबमिट भी करा सकते हो क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट थे जो दुबई में जाके करा के आए थे विदाउट अपॉइंटमेंट लेकिन वो क्या है उनके टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि दिन में जैसे फाइव टू तो सिक्स पीपल उन्होंने लेने हैं अब वो डिपेंड करता है जितनी जल्दी जाओगे उतना आपका बेनिफिट है लेकिन कन्फर्मेशन ज़रूर कर लेना मेल करके कन्फर्मेशन कर लेना या उनके कस्टमर केयर से कन्फर्मेशन करने के बाद ही धन जाना पता चले वहाँ पर अपॉइंटमेंट स्लॉट ना मिले या उनका कुछ प्रोसेस चेंज हो जाए क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है गाइज तो कनाडा की आपने फाइल लगानी है यही सही टाइम है आपको लगता है आपकी ट्रेवल हिस्ट्री ठीक है या आपको कोई स्पॉन्सर भेज रहा है तो कनाडा की फाइल लगा लो इस टाइम तो टूरिस्ट वीजे के लिए या कोई भी कैटेगरी लगानी है ऑल कैटेगरी वालों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है गाइज और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है बांग्लादेश के लिए तो बांग्लादेश का स्टिकर वीजा लगता है और बहुत सारे पर्सन अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं जिनका बजट कम होता है तो बांग्लादेश ने भी अपनी टूरिस्ट वीजा स्टार्ट कर दिया ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो बांग्लादेश का भी वीजा लेके रख सकते हो और इसके बाद अगला नाम है मालदीव के लिए तो मालदीव ने भी अपनी फ्लाइटें स्टार्ट कर दी है और साथ में वीजे भी इसने ओपन कर दिया तो जिन्होंने मालदीव जाना है तो जा सकता है लेकिन अभी आपको रिजॉर्ट बुक करना पड़ेगा आप नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ऑफ अगस्त से जाओगे तो फिर आप कोई भी होटल बुक करा सकते हो गाइड और साथ में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं जैसे यूक्रेन अभी इस टाइम सबसे अच्छे सक्सेस रेट आ रहे हैं ई वीज़ा के तो यूक्रेन आप ले सकते हो विद इनविटेशन लेना या विदाउट इनविटेशन लेना वो आपकी मर्जी है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप इनविटेशन लेना क्योंकि काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए जब आप वहाँ पर पहुँचोगे क्योंकि बहुत सारे पर्सन कहते थे कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट है आप लेके कुछ जारी रिफंड ज्यादा और आपको नॉलेज है नहीं तो आप इनविटेशन लेके जाओ तो काफ़ी हेल्प हो सकती है हो सकता है वो आपको एंट्री दे दे और आपकी ट्रैवलिस्टी तीन से चार कंट्री की है तो डेफिनेटली आपको फिर इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है आप अपने बस फंड वगैरह और अपनी आइटनरी डे बाई डे की बना के लेके जाओ यूक्रेन में एंट्री मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं गाइड और इसके अलावा सर्बिया जिन्होंने जाना है तो सेवन डेज का वहाँ पे क्वारंटीन है और इंडिया से फ्लाइटें बिल्कुल चल रही है कतर एयरलाइंस जा रही है जिन्होंने जाना है तो कतर एयरलाइंस से वो जा सकती है और इसके अलावा आपको वाया कनेडा जाना है जैसे मेक्सिको में देखने आया था 2.5 लाख से भी ऊपर पड़ रही है फ्लाइट है यार आप रशिया के थ्रू भी जाते हो ना तो आपको ऑलमोस्ट वन लाख के अंदर अंडर ही आपका पैकेज बन जाता है क्योंकि वहां पे आप एक दो दिन रुकने के बाद आप फ्लाइट ले सकते हो और वहां से काफी चीपेस्ट फ्लाइट है बट यहां से इंडिया से थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ्लाइट है ऑलमोस्ट बात उतनी पड़ेगी आप इंडिया से भी पहले फ्लाइट लेते थे अंडर वन लैक आती थी, थी आप रशिया के थ्रू भी अपनी फ्लाइट लेते हो तो अंडर वन लैख आएगी तो हमारा मेक्सिको से जाने का कोई फायदा नहीं है टू पॉइंट प्लस देने का फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या मेक्सिको के थ्रू कह रहे हैं कि आप जाओ तो आप ऐसी गलती मत करना वाया रशिया से जाओ सेफ कंट्री है वही आपके आगे जाके स्टडी में काम आएंगे जो इतने पैसे खराब हो गए या वहां पे कॉलेज वगैरह में आपकी हेल्प होएगी आप ट्यूशन फीस पे करोगे या वहां पे घर वगैरह लोग है कितने सारे एक्सपेंसिव होते हैं जो वहां जाके आपको देने होते हैं तो वो जाके आपके वहाँ पे काम आएंगे या आप थोड़ा सा रुकोगे तो डेफिनेटली इंडिया से भी ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा और बाकी आपको इमरजेंसी है जैसे स्टूडेंट बहुत सारे जाना चाहते हैं तो वो रशिया जा सकते हैं और रशिया का वीजा विद इन थ्री डेज के अंदर आपको पता लग ही जाता है और विदाउट अपॉइंटमेंट भी आप अपनी फाइल सबमिट करा सकती हो और बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है ही उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो गाइज और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है अजबाकिस्तान तो अजबाकिस्तान का वीजा लेके आप रख सकते हो जैसे दुबई से नेक्स्ट मंथ से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी या आपको अभी जाना है तो वाया मालदीव से जा सकते हो लेकिन मालदीव में भी आपको टू-टू थ्री डेज रुकना पड़ेगा और आपको बता दूं मैं तुर्की के भी वीजा लग रहे हैं लेकिन वो मंडे और थर्सडे सबमिशन हो रहे हैं तो जिन्होंने तुर्की जाना है तो उसका भी ऑप्शन निकल जाएगा और बाकी जिनको वीजे लगाना है तो वो वीजे लगवा सकते हैं गाइड और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है कजाकिस्तान तो कजाकिस्तान का आपने स्टिकर वीजा लेना है तो वो भी आप ले सकते हो इंडिया से या आपको ई वीजा लेना है तो वो भी आप ले सकते हो उन्होंने दोनों कैटेगरी ओपन कर दिया क्योंकि बहुत सारे पर्सन को पता होगा जैसे वो रशिया जाते तो वाया कजाकिस्तान जाते थे जिसमें क्या वीजा भी नहीं लेना पड़ता था और वहाँ पे होटल वगैरह फ्री होता लेकिन वाया कनेक्टिविटी फ्लाइट होती थी तो हमें काफी प्लस पॉइंट होता था क्योंकि हमारी दो कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री बन जाती थी एक ही फ्लाइट में गई और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है बेल्जियम का तो बेल्जियम ने भी अपनी ऑल कैटेगरी वीजा स्टार्ट कर दिया लेकिन वो प्योरिटी बेस में अपॉइंटमेंट दे रहा अम्बेसी से आपको मेल करके कन्फर्मेशन करना पड़ेगा आपने बेल्जियम जाना गाज और ये शैनिकन का पार्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री और काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है गाइज और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है कतर के लिए तो उसने भी स्पेशल बोल दिया है कि आपने दोनों डोज लगवा रखे हैं तो डेफिनेटली कोविड शील्ड के तो आप ट्रैवल कर सकते हो इंडिया से आप घूमने के लिए जाना चाहते हो वहाँ पे आपको कोई क्वारंटीन होना नहीं पड़ेगा गाइज ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिन्होंने कतर जाना है या वहाँ से कोई दूसरी कंट्री जाना है तो डेफिनेटली चले जाओ लेकिन कोविड शील्ड के दोनों डोज आपको लगवाने पड़ेगी गाइज और इसके अलावा नेक्स्ट नाम है इजिप्ट का तो इजिप्ट ने भी अपनी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है बिजनेस वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है इसका स्टिकर वीजा लगता है तो आपने इजिप्ट जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो और इसके अलावा मोरक्को जिन्होंने जाना तो उसके भी वीजे लग रहे हैं तो आप मोरक्को का स्टिकर वीजा लेना चाहो तो ले सकते हो इसका ई वीजा लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो और साथ में बहुत सारी कंट्री है जो ई वीज़ा देती है जैसे यूक्रेन देती है कीनिया देती है और बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं उनके वीजा ऑनलाइन आप प्रोसेस कर सकते हो बहुत फ्रेंडली प्रोसेस होता है तो आपको लगता है कि आप तीन से चार कंट्री में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो वाया रशिया से बहुत सारी कंट्री में आप अपनी ट्रैल हिस्ट्री बना सकते हो वाया कनेक्टिविटी फ्लाइट ले सकते हो क्योंकि इंडिया से महंगी है रशिया की फ्लाइट मैं मानता हूँ लेकिन रशिया से आप कोई भी कनेक्टिविटी फ्लाइट लोगे जैसे आप सर्बिया का रूट बनाते हो या कजाकिस्तान का तजाकिस्तान का अजबेकिस्तान का रूट बनाते हो तो डेफिनेटली फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा तीन से चार कंट्री घूमने के बाद इन फोर्टीन डेज के अंदर फिर आप दुबई में भी जाना चाहते हो जैसे अभी इंडिया से बंद है लेकिन वहाँ से आप फोर्टीन डेज रुकने के बाद दुबई में भी जाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है जो फ्रेश पासपोर्ट है वो अपना ट्रैवल हिस्ट्री बना देना पैकेज मैं बना के दे दूंगा तीन से चार का धन उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे शैनिकन के लिए और बाकी नेक्स्ट नाम है जर्मन के लिए तो जर्मन ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया लेकिन प्योरिटी बेस में अपॉइंटमेंट दे रहा है तो आप उनको कंफर्मेशन मेल मारोगे मेल के बाद वो आपको अप्रूवल देंगे देन उसके बाद ही अपनी फाइल सबमिट करा सकते हो और बाकी डेनमार्क के लिए जिन्होंने फैमिली यूनियन वीजा डालना है तो वो डाल सकता है और लेकिन वो यह प्योरिटी बेस में अम्बेसी को आपको मेल करना पड़ेगा और चेक रिपब्लिक और बहुत जल्दी चैनिकन सारी कंट्री खुलने वाली है जिन्होंने पुर्तगाल जाना है माल्टा जाना है तो अगस्त में बहुत जल्दी उनको गुड न्यूज मिलने वाली है स्पेशल मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ओनली शैनिकन के लिए और मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी कंट्री के कौन से वीजे चल रहे हैं और एम्बेसी से आपको कैसे अप्रूवल लेना है वी ग्लोबल से कैसे अप्रूवल ले सकते हो तो फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग और बाकी आपको वीज़ा रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो जनमन डॉक्यूमेंटेशन बनाना गाइज जिसमें क्या आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा फील होगा हाँ मेरे डॉक्यूमेंटेशन जनमन है फिर आपको घबराहट नहीं होगी आप कोई भी कंट्री का वीज़ा लगवा सकते हो गाइज ऐसी न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जसी पंजाबी ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना या मेरे को कॉल करते हो एनी टाइम गाइज तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेस में आपके साथ शेयर करता रहूँ तो अभी के लिए दो इजाज़त नमस्ते सात श्रीकाल